आज का दिन मतदाताओं में बहुत उत्साह का माहौल है। मैं ठाणे से मीरा भाईंदर शहर में जब भी आ रहा था तभी लोग वोटिंग के लिए उतर रहे थे। हाँ, हालांकि बहुत सारे जगहों से मशीन बिगड़ने की खबरें आ रही है सुबह 7 बजे से, मगर हमने जो मतदान केंद्र के प्रमुख है उनको विनती की है कि जितना वक्त ये खराब हो गया उतना ही वक्त मतदाताओं को बढ़ा के देना चाहिए और उस माध्यम से वो लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पंतप्रधान के रूप में देखने के लिए लोग आतुर है। नरेश मशके जी जो हमारे उम्मीदवार है, एकनाथ शिंदे साहब के उम्मीदवार है, ठाणे जिला यह शिवसेना का जिला है, गढ़ माना जाता है आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद के साहब, और उसके बाद में एकनाथ शिंदे साहब ने इस ठाणे जिले पे अपना कार्य के माध्यम से रौब जमाए। मीरा भाईंदर शहर में 3,000 करोड़ से ज़्यादा निधि दी है, उसमें से 1,800 करोड़ रुपए के तहत रास्ते कॉन्क्रीट के काम चल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल है और सुबह से जब भी हम लोग घूम रहे तो लोग यही बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को अगर पंतप्रधान बनाना है तो नरेश मस्के जी के धनुष बाण का बटन दबाना है, और उस माध्यम से लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरह से मतदान हो रहा है, माहौल बहुत अच्छा है। और आप देखिए कि आने वाले 4 जून को नरेश मस्के बहुत बड़ी मात्रा पे दिल्ली पहुंच जाएंगे। अपना जो पिछले टर्म का जो रिकॉर्ड है 4,12,000 का, वो रिकॉर्ड तोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा मतदान लेके नरेंद्र जी मस्के सांसद के रूप में दिल्ली जैसे अगर जाएंगे। आप देखेंगे हमारे मीरा भाईंदर शहर के सभी पोलिंग सेंटर्स में, तो जनता अपने इस लोकतंत्र के महापर्व को बनाने के लिए बड़े बड़ी उत्साह लंबी के साथ लंबी कतारों के अंदर यहाँ पे खड़े हैं। युवाओं को मैं देख रहा हूँ, करीबन 70-70 साल के वृद्ध भी देख रहा हूँ जो कि चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें पूरा जोश है। वो चाहते हैं कि अपने इस मतदान के अधिकार को निभाएं, और जो 5 वर्ष में एक बार जो उन्हें मौका मिलता है अपनी पसंद की अपनी चुनी हुई सरकार को स्थापित करने का और अपने मतदान के अधिकार को निभाने का, वो तो अधिकार आज निभाने के लिए बताओ कि सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मैंने भी अपने परिवार के साथ आज वोट किया है। मानता हूँ गर्मी है, गर्दी है, दोनों ही चीज़ें, लेकिन देश का भविष्य उज्जवल चाहिए, हमारे परिवार का भविष्य उज्जवल चाहिए, तो हमें अपने इच्छा अनुसार वोट करना चाहिए तक अपनी मर्जी की सरकार हम बना सके। खाली कोसने से कुछ नहीं होगा, बाहर आके वोट करना चाहिए। तो आज मैंने अपने परिवार के साथ किया, आप भी अपने परिवार के साथ मतदान को निकले और अपना अपना वोट करें। हिंदुस्तान के लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार जो हिंदुस्तान के हर नागरिक को प्राप्त है, आज उसे बजाने का काम, उस अधिकार का उपयोग करने का काम इस देश में सरकार किसकी होनी चाहिए और कैसे होना चाहिए, वो अधिकार जो जनता को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की घटना ने दिया है उसके तहत आज देश में पांचवें चरण का चुनाव हो रहा है। एक सब में बड़ी दुख की बात है कि जिस तरकीब से इलेक्शन रोल पे इलेक्टोरल रोल में लोगों के नाम 2019 के चुनाव में वोटिंग जिन लोगों ने किया उनके नाम बगैर इंक्वायरी किए बगैर चेकअप किए नाम काट दिए गए हैं। इस तरह की शिकायत पूरे मीरा भाईंदर के 145-146 विधानसभा क्षेत्र से मिल रही है। किसी भी तरकीब की चाचपनी नहीं करते हुए इलेक्शन कमीशन ने यहाँ का काम बहुत गलत किया हुआ है। जब सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि हमने यादि पब्लिश करी थी, वो आपने चेक करना चाहिए था। अब यादि ये पब्लिश करते हैं तहसीलदार कार्यालय में और 7 लाख लोगों के नाम पब्लिश करते हैं, कैसे आदमी जाके चेक करेगा कि हमारा नाम है नहीं है? उस टाइम पे ऑनलाइन इलेक्टोरल रखते नहीं हैं, उस टाइम पे जो नाम डिलीट करते हैं उसका कोई अलग से ब्यौरा इलेक्शन कमीशन देता नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने इस बात की कॉग्निजेंस लेनी चाहिए कि 145-146 असेंबली के अंदर ठाणे लोकसभा में इलेक्टोरल रोल में बहुत बड़ी गलत काम किया गया है, जानबूझकर के लोगों के नाम, जानबूझ के पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के नाम काटे गए। कितने काटे गए होंगे? बस मैंने अपना फर्ज निभाया है, मतदान किया है। लोगों से कहूंगी आप भी घर के बाहर आइए, सुखी समृद्ध और विकासशील भारत के लिए अपना मतदान अवश्य करें। बस यही आज के दिन का शुभ संदेश है, मतदान श्रेष्ठ दान। मैडम कैसा रिस्पॉन्स दिख रहा है आपको यहाँ पर? बहुत सुंदर। मेरा खुद का नंबर आधे घंटे के बाद आया है, लोगों का उत्साह है
कि 7 बजे अगर मैं यहाँ आती हूँ और लाइन है, इसका मतलब लोगों में बहुत उत्साह है और अपने आप स्वयंभू मतदान करने आए हैं।